गुड मॉर्निंग क्लास सेवन। संस्कृत रीडर की पढ़ाई बहुत आगे हो चुकी है, उसमें हम लोग चैप्टर 10 तक पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें सिलेबस के अनुसार बहुत आगे हो गया, लेकिन अब हम आज व्याकरण के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो व्याकरण में आपका ये चैप्टर 7 में बता रहा हूँ, ये अव्यय है। अव्यय में आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। ये अव्यय है जिसका व्यय ना हो, यानी खर्च ना हो, ठीक है। उसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सब में एक जैसा प्रयोग होता है, कहीं उसमें कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। अविकारी शब्द होता है जिसमें कोई विकार नहीं होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो मैं अंडरलाइन किया हूँ या जो टिक लगा उसी को केवल फेयर कॉपी में करना है, जो क्रॉस किया हूँ उसको मत कीजिएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले ऊपर आप लोग चैप्टर 7 लिख दीजिएगा, अव्यय लिख दीजिएगा, और उसके बाद ये देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ से लिखिएगा अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है या कहते हैं। जैसे दिवा मैंने दिन, चिरा मैंने देर से, यदा मैंने जब। अब आपको क्या करना है कि इन जितने अव्यय हैं उन सबको लिखना है। जैसे शनै शनै मैंने धीरे धीरे, शीघ्रम शीघ्र, यह मैंने कल, ये जो नीचे वाक्य बनाया गया है उसको आपको नहीं लिखना है। फेयर कॉपी में आपको केवल अव्यय और उसका अर्थ लिखना है। पहला में शनै शनै, उसका अर्थ है धीरे धीरे। दूसरा में शीघ्रम मैंने शीघ्र, यह मैंने कल। चार में स्व मैंने कल, ये टुमोरो आने वाला कल, यह मैंने कल बीता हुआ कल। पाँच में परस्व मैंने परसों। छः में नीचे मैंने नीचे। सात में उच्च मैंने ऊँचा। अब दूसरे पेज में देखिए, है ना, आठ में दिया हुआ है अत्र मैंने यहाँ, तत्र मैंने वहाँ, यत्र मैंने जहाँ, कुत्र मैंने कहाँ, कुत मैंने कहाँ से, सर्वत्र मैंने सब जगह, नूनम मैंने अवश्य, पूरा मैंने प्राचीन, प्राचीन काल में। इंग्लिश नहीं लिखना, केवल हिंदी अर्थ लिखते जाना है। वृथा, पुनः मैंने फिर, भाई मैंने बाहर, है ना। ये तीन पेज है, 20 तक वहाँ है। और देखिए यहाँ पर 21, 22, 26 में उतना है, 27 में चम मैंने और 28 में यह मैंने यहाँ। तो आपका वर्क यही है कि इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, है ना। सबसे पहले तो आपको चैप्टर 12 का रीडर का अभ्यास चेक कराना है, और बाद में मैं इस वीडियो को भेज दूंगा एक घंटे के बाद, है ना, क्योंकि आपका क्लास तो 11 बजे से 1 बजे तक चलेगा। तो आप क्या करिएगा कि 11 से 12 बजे तक आप चैप्टर 12 का रीडर का चैप्टर 12 का अभ्यास चेक कराइएगा, और 12 बजे मैं ये वीडियो डाल दूंगा। इस वीडियो को पढ़िएगा और इसको समझिएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा। और इस तीनों पेज को मैं भेज दूंगा, जिसको आपको फेयर करके अगले क्लास में दिखाना होगा, ठीक है। तो आप समझ गए क्या फेयर करना है। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देना है, और ये जो जितने दिए हुए हैं, कितना टोटल है, 28, ये मैंने यहाँ, ये यहाँ तक आपको फेयर कॉपी में करके दिखा देना है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, और ये आपका होमवर्क होगा, ये तीनों पेज आप अगले क्लास में लेकर के दिखाइएगा, ठीक है। ओके।